नारायण थाने की पुलिस ने 8 अंतरराज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 8 अभियुक्तों को कारमल रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रजाकत अली पुत्र जलालुद्दीन निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना मदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, दूसरा सैफ अली पुत्र मोहम्मदीन निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, तीसरा रफी पुत्र नथुद्दीन निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, चौथा अकरम अली पुत्र जाफर अली निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना मदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, पांचवा शैदू हुसैन पुत्र नजरुद्दीन निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, बरकत अली पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना मदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, सातवां वजीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, आठवां जावेद पुत्र स्वर्गीय गुलाम शबीर निवासीगढ़ कोपा ठंडा नाला गुलरभोज थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 9,500 रुपये नगद, चोरी का चैन, एक हाथ का कंगन, दो अंगूठी, एक जोड़ी कान का झुमका, एक आधार कार्ड, एक लेडीज पर्स, 266 ग्राम नशीला पाउडर, चार मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग उत्तराखंड के उधम सिंह जिला के गदरपुर थाना के ठंडा नाला गांव के रहने वाले हैं। हम लोग गाँव में ही सुनियोजित ढंग से अपने साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व बिहार प्रदेशों में जाते हैं और एक जगह पर किराए पर आवास लेकर रुकते हैं। वहां से हम लोग टोली बनाकर चार चार पाँच पाँच के साथ मोटरसाइकिल से अपने शिकार की खोज में बैंकों के इर्द गिर्द और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमते हैं। वृद्ध महिलाओं को हम लोग ज़्यादातर शिकार बनाते हैं, उनको किसी न किसी समस्या को बताकर बात करते हैं और उनसे बातचीत से प्रभावित कर उन पर विश्वास दिलाकर कि हम लोग जानकार हैं, क्योंकि जब महिलाओं से बातचीत करते हैं तभी हमारे बीच का कोई साथी भी आता है, अपनी समस्या को बताता है, उससे उसका पैसा व सामान लेकर 15-20 कदम चलवाते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर जाओ। वह आदमी लौट कर आकर कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, सामने खूब तेज रोशनी आई है जो भगवान के रूप में थी। इस बात पर महिलाएं विश्वास कर लेती हैं और वे भी अपना गहना पैसा सब निकाल कर हम लोगों को दे देती हैं। तब हम लोग उनका गहना लेकर बोलते हैं कि 15-20 कदम आप भी भगवान का नाम लेकर जाइए, भगवान के दर्शन होंगे, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इस बीच हम लोग महिलाओं का पैसा गहना व सामान लेकर भाग जाते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पूर्व एक महिला से धर्मशाला चौकी के पास ऐसे ही करके उनका गहना और पैसा लेकर चले गए थे। बाद में समाचार पत्र में देखा तो पता चला कि वह रिटायर्ड दरोगा थी। इस तरह से हम लोग फर्जी पुलिस व एसटीएफ के सिपाही बनकर भी व्यापारियों से चेकिंग के नाम पर पैसा लेकर भाग जाते हैं। हम लोगों के विरुद्ध कानपुर, जयपुर, उत्तराखंड में पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, देवरिया, खलीलाबाद में भी हम लोगों ने ऐसी घटनाएं किए हैं। हम लोग अभी उत्तराखंड से आए ही थे और घटना की योजना बना रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि 8 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक धीरेन्द्र राय, अरविंद यादव, कांस्टेबल चंद्राकर यादव, राजेश यादव, संजीत यादव, दीपक यादव, राजनारायण धूर्यवंशी, अरुण यादव, नमित मिश्रा, गणेश शंकर पांडे, अशोक चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सुनेंगे तो आनंद आएगा। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में शहर में हो रही लंबे समय से टप्पेबाजी के दो गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए आज कैंट पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें उत्तराखंड की
दो अंतर्राज्यीय गैंग जो टप्पेबाजी करते हैं उनको थाना कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग महिलाओं को सम्मोहित कर उनको 15 कदम चलाने एवं भगवान का प्रकाश दिलाने और इस तरह के हीरे जवाहरात दिखा के उन महिलाओं से गहना लूटते थे। इस तरह की एक घटना 25 अगस्त 2022 को धर्मशाला चौकी के पास एक रिटायर्ड महिला दरोगा के साथ की घटना कारित की गई थी। उसके बाद में पुलिस ने फुटेज एवं पतारसी सुराग रसी के आधार पर उत्तराखंड के एक गांव वहां पे ऑलमोस्ट सभी लोग टप्पेबाजी का कार्य करते हैं वहां से पता लगाया गया। पता लगाने के बाद में दो गैंग लीडर का नाम लगाया पता चला और सर्विलांस के आधार पर फिर उनका जब पता गोरखपुर में होना पाया गया तब फिर उनको अरेस्ट किया गया। ये लोग एक डकैती का प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास से एल्प्रेनाजोल और एक सोने की चैन, एक दो अंगूठी और एक सोने का कड़ा जो महिला दरोगा से छीना गया था उन सबकी बरामदगी की गई है। उसके साथ साथ ये जो दो गैंग लीडर हैं इनके खिलाफ अन्य जनपद एवं अन्य राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में भी मुकदमे दर्ज हैं। और इस खुलासे के साथ साथ जनपद महाराजगंज में भी इन्होंने जो टप्पेबाजी की थी फरेंदा में उसका भी खुलासा एवं अनावरण कैंट पुलिस द्वारा आज किया जा रहा है। जनपद में अभी तक इन्होंने एक घटना जो महिला दरोगा के साथ की गई है उसी का ही कबूल किया है। बाकी अन्य जनपदों आजमगढ़, महाराजगंज, कानपुर, राजस्थान में जयपुर, बिहार में सीवान वगैरह इस तरह की जगहों पर इन्होंने घटना करना कबूल किया है। इनके गिरोह के मेन लीडर हैं एक मोहम्मद रफ़ी और दूसरा है सेदू। और ये एक्चुअली एक ऐसी लिस्ट है, 31 लोगों की लिस्ट भी उधम सिंह नगर जनपद के डीएम साहब को वहाँ के संभ्रांत लोगों द्वारा दी गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने पतारसी सुरगरासी कराई और उसके आधार पर इन लोगों को वहाँ से ट्रेस करके सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गोरखपुर में घटना करने का इनका एक बहुत अच्छा तरीका था जिसमें ये किसी भी महिला के सामने और स्पेशली वृद्ध महिला या वल्नरेबल टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उस महिला को 15 कदम चलाने एवं भगवान के द्वारा प्रकाश दिलवाने इसके आधार पर ये लोग सम्मोहित करते थे। इसके साथ साथ ये लोग कई बार इनमें से जो मजबूत कदकाठी के जो दो लोग हैं वो लोग एसटीएफ के सिपाही बन के लोगों से पैसा चेकिंग करते थे, बैग चेकिंग करते थे और उसके आधार पर जब किसी बैग में उनको पता लगता था कि पैसे हैं वो फिर पैसे आनन फानन में उसमें से कुछ पैसे निकाल के टप्पेबाजी का काम भी किया करते थे।